पवित्र पावनी नगरी अयोध्या। और आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जो दर्शन करा रहे हैं वो हनुमानगढ़ी मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये हनुमानगढ़ी मंदिर का पूरा मार्ग है। मुख्य बाजार है ये हनुमानगढ़ी मंदिर का, जहाँ साक्षात वीर बजरंगी महाराज श्री हनुमान पधारे हैं, विराजमान हैं। ज़्यादातर प्रसाद की ही दुकानें यहाँ हैं, और हम हैं इस समय श्री ओम निष्ठार भंडार पर। हाँ सर, थोड़ा बताइए हमको, जैसे अब कितना सुधार आया, होली का त्यौहार कैसा रहा आपका अयोध्या में? अच्छा, जी हम लोग ये चाह रहे थे कि जो सरकार का यहाँ पर प्रस्ताव है चौड़ीकरण का, जी उसके अंदर हम लोग दुकानदारों की इच्छा है कि यहाँ के दुकानदार जो है उनको यहीं बसाएं। अच्छा, आसपास में ही आपको दुकानें? आसपास में यही दुकानें दी जाए, जी। और यहाँ से आप जो विकास करें, हम लोग उसका कोई विरोध नहीं है। बस हम लोगों की मांग है कि हम लोग को दुकान के बदले दुकान यहीं कर दिया जाए। तो सरकार ने जो मांग आपसे रखी है दुकान के बदले में, तो जो आप कब कितने साल से बैठ रहे हैं आप यहाँ? हमारी 100 साल पुरानी दुकान है, 4 पीढ़ी दुकान बीत चुकी है। अच्छा, 4 पीढ़ियाँ बीत चुकी दुकान है, हम लोग चौथी पीढ़ी है दुकान। अच्छा अच्छा, तो तब से मतलब इतना समय हो गया, अब आप अयोध्या का जो निपटारा था राम मंदिर का, अब तो वो भी स्वच्छता से हो गया, उसके बाद और क्या बदलाव चाहते हैं? अयोध्या के व्यापारी तो जो सोच रहे थे, जी ठीक, उसके विपरीत काम हो रहा है। हम लोगों ने सोचा था कि अयोध्या में जब राम मंदिर बनेगा, जी, तो हम लोगों का विकास होगा, हम लोग पास जब आधा कस्टमर आएगा दुकानदारी होगी। हाँ, इस समय तो हम लोगों को लड़ने के लिए सता रहा है कि सरकार जो चौड़ीकरण में हम लोगों को यहाँ से विस्थापित करने का विचार बना रही है, ये हम लोगों को समझ में कम आ रहा है, क्योंकि और भी कई रास्ते 100 कितने लोगों ने जो निकाले हैं, तो उस रास्ते पर ही लोग भीड़ को डालें, इस रास्ते पर जो है साधन बंद करके और गाड़ियाँ बंद करके इस रास्ते को जो है दर्शनार्थियों के लिए सिर्फ खुला रखें, तो इस रास्ते में कोई चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। हनुमानगढ़ी मंदिर के और कितने मार्ग हैं ऊपर दर्शन के लिए? हनुमानगढ़ी मंदिर का मुख्य मार्ग यही है, मुख्य मार्ग यही है, मुख्य मार्ग यही है, निकासी के गेट पीछे से है, बस यही एक रास्ता है, उसको निकासी गेट को ही VIP रास्ता लोग बना करके उधर से VIP लोग दर्शन करते हैं, बाकी मुख्य मार्ग यही है जाने आने का। हमने भीड़ हो जाती है तभी उस निकासी वाले रास्ते का प्रयोग होता है, बाकी आम दिनों में इसी रास्ते से लोग जाते भी हैं और आते हैं। व्यापारियों के जो हालात यहाँ हैं वो उनकी सोच से बिल्कुल परे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ये जो मार्ग है इसका नवीनीकरण हो, इसको और चौड़ा कर दिया जाए, जिससे व्यापारी यहाँ नाखुश हैं। आप बीती जग बीती से विशेष संवाददाता मुकेश गुप्ता की एक रिपोर्ट।